नमस्कार दोस्तों, इजी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए कपड़े से फ्लावर कैसे बनाना है वो बताऊंगी। मेरी लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि मैंने फूल कैसे बनाया था अपने फ्रॉक में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फूल बनाने के लिए हमको एक पेपर की आवश्यकता होगी, पेन की होगी और सुई और धागा लगेगा। ये मैं अपने फूल के बीच में जो स्टिग्मा होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ करूँगी। ये आपको कोई भी ज्वेलरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और इसके लिए कपड़े को आजू बाजू से जलाने के लिए मैंने दिए का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कैंडल या फिर लाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कलर का कपड़ा लगेगा हमको जिससे फ्लावर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर बनाना। तो सबसे पहले हम जो हमें फ्लावर की पंखुड़ियाँ बनानी हैं उनका शेप ड्रॉ करके पेपर पर इसको कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच लंबी पंखुड़ी रखी है और ये जो है ये 2 इंच लंबी है और ये 1.5 इंच लंबी है। आप चाहें तो ये क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो 4 साइज़ भी रख सकते हैं। जितना घना आपको फ्लावर चाहिए आप उतनी पंखुड़ी रख सकते हैं। और अब मैं इस पेपर को अपने कपड़े पर रख कर शेप काट दूँगी सारे पंखुड़ियों के। ये देखिए, ये मैंने अपने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और यहाँ अपनी पेपर कटिंग अटैच कर ली है पिन से। और अब मैं इसको पेटल्स की शेप में काटूँगी। आप चाहें तो इसको 4 बार फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करके फिर काटेंगे तो आपकी जो पेटल्स है वो सेम शेप में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने डबल ही फोल्ड करके काटा है। इसी तरह आप जितना चाहें अपना फ्लावर्स का पेटल्स काट सकते हैं। मैंने कपड़े को पंखुड़ी के साइज़ का काट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर पंखुड़ी का जो साइज़ है वो 10-10 पीस काटा हुआ है। ये लार्ज साइज़, ये स्मॉल साइज़ और ये मीडियम साइज़ का है। और अब मैं इसकी जो रॉ एजेस हैं इसको मैं दिए की हेल्प से जलाऊंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे शेप देना है। आपको जो दिया जलाना है उसकी जो लौ होनी चाहिए वो बहुत ही मध्य होनी चाहिए। और अब देखिए, मैं अपने जो कपड़े की ये जो सतह है ये आप देख सकते हैं, इसकी साइड बहुत ही ज़्यादा धागे निकले हुए हैं, इसी को हमें बर्न करना है। तो हम इसको जस्ट थोड़े से लॉ के पास रखेंगे, लगभग 1 सेंटीमीटर दूर। और आपको बहुत सावधानी से ये करना है जिससे कि आपका कहीं हाथ ना जल जाए। और इसी तरह धीरे धीरे हमें घुमाते हुए जितनी रॉ एजेस है इस पेटल की उसको बर्न कर देना है। आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली, ये देखिए, ये बर्न करने के बाद आपकी पेटल कुछ इस तरह दिखेगी। और अब इसके बाद हमारी जो पेटल सीधी है हमें इसको कुछ इस तरह घुमाना है जिससे कि ये खिली हुई दिखे हमारा फूल। तो इसके लिए ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है, तो ये उल्टी साइड से आपको अपनी जो लॉ है दिए की उसके ऊपर हल्का सा अपनी पेटल को रखना है। ये देखिए, इस तरह से ये आपका जो पेटल है ये अपने आप ही मुड़ जाएगा। हम देख सकते हैं इसका शेप इस तरह से मुड़ चुका है। और इसी तरह हमें अपनी सारी पेटल्स को बना लेना है। सारी पेटल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं।
अब मैं सुई धागा लूँगी और सबसे पहले ये जो सबसे छोटी पेटल है इसको सिलूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो नीचे की साइड है इसको आप एक दो सिलाई लें और इसको इस तरह से सुई के अंदर डालकर सारी पेटल्स को इसी एक लाइन से पिरो दें, देखिए इस तरह से। सारी पेटल्स पिरो देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो लास्ट वाली पेटल है इसको हम फर्स्ट पेटल से इस तरह से मिला देंगे और फिर हम नीचे से इसको एक सिलाई दे देंगे जिससे कि ये एक फूल का शेप ले ले। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से इन दोनों को जोड़कर आप इसे एक सिलाई देकर इसको हम जोड़ देंगे यहाँ से एक। ये दोनों पत्तियों को सिलने के बाद मैंने यहाँ इसे लॉक कर दिया है और हमारा जो छोटा फ्लावर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा और हमें इसी तरह से अपना मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ फ्लावर भी बना लेना है। उसके लिए भी मैं सेम तरीके से अपने पेटल्स को पिरोंगी सुई में इस तरह रख के और फिर इसे इसी तरह लॉक कर दूंगी।
ये देखिए मेरे तीनों फ्लावर्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे एक के ऊपर एक रख के, आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं, पर अपनी सहूलियत के लिए मैं पहले फैब्रिक ग्लू यहाँ लगाऊंगी, फिर इसको एक के ऊपर एक इस तरह रखूंगी, सबसे ऊपर छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर फूल तैयार होने वाला है। अभी मैं इसमें फैब्रिक ग्लू लगा के इसे सबसे पहले चिपकाती हूँ, फिर मैं इसे धागे से स्टिच कर दूंगी जिससे कि ये मजबूत रहे। फ्लावर सिलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। और अब मैं इसमें ये स्टिग्मा लगाऊंगी, ये आप किसी भी हैंडमेड ज्वेलरी शॉप से प्राप्त कर सकते हैं, और ये गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर्स में आता है, तो आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके लगाइए, एक साथ रखिए, और फिर हल्का सा फोल्ड करके इसे हम बीच में से मोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और अब हम इसे फ्लावर के बीचों बीच अंदर डालेंगे, हमारे फ्लावर में बीच में कुछ जगह बची है, हम उसे इस तरह से डालेंगे, और फिर इसे कुछ फूल की बर्ड्स की तरह ऐसे फैला देंगे। आपकी ड्रेस को बहुत ही सुंदर तरह से सजाने के लिए ये हमारा फूल बनकर तैयार है। इसे आप सैटन या फिर ऑर्गेन्जा नाम के नेट के कपड़े से बना सकते हैं। इसे बनाने में कुछ वक्त तो लगता है, पर बनाने के बाद आप बेशक इसे दोबारा फिर से बनाना चाहेंगे, तो अपनी फूल जैसी गुड़िया के लिए ये फूल ज़रूर बनाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही ईजी क्रिएशंस के साथ। बाय फॉर नाउ।